आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है? क्या 2019 के नतीजे रिपीट करेगी बीजेपी? क्या पिटाई कांड से असर पड़ने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़ी जो कहानी शुरू हुई वो कहानी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, वो भी ठीक तब जब दिल्ली में चुनाव सिर पर है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। यही वजह है कि गुरुवार की सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का काफिला पहुंचने लगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशी एक एक करके सारे नेता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली दरबार में पहुंच गए। इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी, पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात को देख रही है। अरविंद केजरीवाल के घर ये भीड़ उस वक्त जुटी है जब बीजेपी सातों सीटों पर 2019 का लोकसभा चुनाव रिपीट करना चाहती है। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ इत्यादि, इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है। खबरों की दुनिया में news18hindi.com की बादशाहत कायम है, सबको पछाड़ बनी नंबर वन हिंदी न्यूज वेबसाइट। लोकल से ग्लोबल तक न्यूज कवरेज में सबसे आगे, वोटिंग हो या काउंटिंग, न्यूज 18 हिंदी रखेगा आपको आगे। बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन संविधान की किताब नहीं पढ़ी उन्होंने। बीजेपी अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस का मतलब टेरर, माइनॉरिटी अपीजमेंट और करप्शन बतला दिया।